जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरियों, लाडो लाडले, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो किड में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये SSC GD वाले जो बच्चे हैं 2024 वाले, इन्होंने जान निकाल रखी है कमेंट बॉक्स में। SSC GD 2024 वाले जो भी बच्चे हैं सबको सबसे बड़ी समस्या, आपने भी देखा होगा, आयु। सर एज क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, से काउंट होगी। मेरा जन्म 2006 में हुआ था, कोई बोलता है 5 में हुआ था, कोई 4 में हुआ था, मुझे मौका मिलेगा या नहीं। देखो लाडलो, स्पेशली जो मिनिमम आयु है वो आप सभी को पता, 18 साल तो आपकी होनी चाहिए। अब इसमें के साथ में एक क्वेश्चन हो रहा था, कब तक 18 साल होनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊं 24/11 तक आपके 18 साल होनी चाहिए, 24/11/2023 तक। क्लियर है भाई? यानी 24/11/2023 तक आपके 18 साल उम्र होनी ही चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा नहीं। भले एक दिन भी आपका कम रह गया तो आप शायद फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। लाडलो साथ ही काफी बच्चे पूछ रहे थे आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो उसके लिए भी काफी बच्चे बोल रहे थे सर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, हमको कब तक मिलेगी। लाडलो आज वापस सारी बुकें हर एक सब्जेक्ट वाइज प्लस ओल्ड पेपर वाली भी जो हमारी बुक है वो सारी आज फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों को चाहिए वो सर्च करना SSC विराट सर या SSC GD 2024 बुक, आपको इस प्रकार से सर्च करना SSC GD 2024 बुक, आगे विराट सर लिख देना, तो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों जगह ही आज के दिन अवेलेबल हो जाएगी आप, ठीक है। तो मिनिमम जो एज है वो कितनी है लाडलो, और हाँ हर एक सब्जेक्ट की है, 4 सब्जेक्ट की 4 बुक्स प्लस एक ओल्ड पेपर की बुक, कॉम्बो भी आप ले सकते हैं, अलग अलग भी आप ले सकते हैं जिसकी आपको नीड है, उसमें ओरिजिनल 2023 वाले पेपर भी डाले गए। जो आयु सीमा है लाडलो 18 साल तो होगी होगी, ऊपर कितनी होगी देखो लाडलो, ये डिपेंड करेगा भर्ती पर। जैसे आपने देखा होगा 84,000 कुछ पदों पर अभी भर्ती रिक्त बताई जा रही थी। अगर मैं आपको बताऊं इतनी बड़ी अगर वैकेंसी आएगी ना तो आयु में छूट जरूर मिलेगी, आयु 18 से 23 नहीं होकर 25 या 26 होगी, क्योंकि सामने चुनाव है। SSC GD तो चुनाव पे बहुत डिपेंड करती है, मैं बहुत शुरू से ऑब्जर्व करता हूँ इस वैकेंसी को, कोई माने ना माने लेकिन मैं बता दूं चुनावी खेल इसमें 100% होता है। कोई भी सरकार इसको अपने पॉजिटिव वे बनाना चाहती है, इसमें किसी भी बच्चे की नेगेटिव नहीं लेना चाहती, तो आयु सीमा में उनको छूट देने से उनको भी पता है कि बच्चों को खुशी मिलेगी, और क्यों ना हम कंपटीशन तो हो ही रहा है। जैसे इस बार 3 साल का छूट दिया था, जबकि SSC GD तो अपने साथ समय से चल रही थी, 3 साल का जो छूट दिया गया वो सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए दिया गया था पिछली वैकेंसी में, तो इस वैकेंसी में भी छूट के आसार तो है, हो सकता है कि 2 साल का या 3 साल का छूट मिले, छूट जरूर मिलेगा, ये बात आप विश्वास के साथ मैं आपको बताता हूँ, छूट जरूर मिलेगा। और जहां तक मेरा मानना है कि 2 साल का छूट SSC GD में इस बार मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों की आयु 18 से 23 है उनको तो किसी चीज की परवाह ही नहीं है ना। जो OBC से 18 से 26 है, जो SC ST से 18 से 28 है, तो इन बच्चों को तो किसी बात की परवाह ही नहीं होनी चाहिए। ये भी बार पूरे दिन एक ही चीज पूछते रहते हैं, आयु आयु आयु। अरे आप तो मिनिमम आयु की तरफ देखो कि 18 साल आपकी 24 नवंबर तक होनी चाहिए, इसके अलावा बात तो आप पूरे दिन आयु 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 का गाना लगा के रखते हैं। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, जिन बच्चों की 1-2 साल ऊपर है, मान लो जनरल कैटेगरी से किसी के साल 24 साल हो गई, तो मेरा ये मानना है कि आप देख लेना जब नोटिफिकेशन आएगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ छूट जरूर रहेगी। अब कितनी रहेगी ये तो नोटिफिकेशन है, आप बोलोगे सर आप जब छूट का बोल रहे हो तो ये भी बता दो ना कितनी, क्योंकि SSC GD में बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो रात को होते हैं 12 बजे, तो उस समय हम झूठे ना पड़ जाए, इसलिए मैं ये बात नहीं बोल रहा, ठीक है। क्योंकि किसी भी समय नोटिफिकेशन देनी होती है दिसंबर में, दे देते हैं अक्टूबर में, देनी होती है अक्टूबर में, दे देते हैं दिसंबर, SSC में कई बार ऐसा होता है, समझ गए। मैं आपको बताया ना चुनावी रणनीति पे बहुत सारी चीज़ें SSC की डिपेंड करती है, इसलिए सिलेबस सेम रहेगा। सिलेबस के बारे में सारे बच्चे पूछते रहते हैं, सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है लाडलो। जय हिंद, जय भारत।